दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज तक आपने आईफोन कैसे देखे? पहले बहुत छोटे आईफोन आया, फिर से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आईफोन 7 आया, आईफोन 8 आया, आईफोन एक्स आया जो थोड़ा बड़ा फ़ोन था। उसमें एप्पल ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे। उसमें आपको टच फेस आईडी का सपोर्ट आपको मिला, उसमें आपको टच स्क्रीन बड़ी हो गई, उसका डिस्प्ले साइज बड़ा हो गया, उसमें कैमरा ज़्यादा अच्छे हो गए, नाइट मोड आ गया आईफोन 11 में, आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरे मिले। और आप फ्यूचर आईफोन कैसे आएंगे तो आपने ये सोचा है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अब जो फ्यूचर आईफोन्स आएंगे, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, वो कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाला है आईफोन का फ्यूचर, किस टाइप का आपको फॉर्म फैक्टर आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आपको सब आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आईफोन 12 की बात कर लें जो अभी लॉन्च हुआ था, तो जो आईफोन 12 में एप्पल ने एक नया वेरिएंट लेके आया है जिसमें था एप्पल आईफोन 12 मिनी, जिसमें आप बहुत छोटा सा फॉर्म फैक्टर था 5 समथिंग उसकी स्क्रीन साइज से। तो वो जो फ़ोन लेके आया बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन, तो बहुत ही प्यारा सा फ़ोन लेके आया जिसमें उसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसने दी। हाँ बस उसकी बैटरी थोड़ी कम थी, बाकी अगर आप उसका डिस्प्ले देख लो, प्रोसेसर आईफोन 12 प्रो मैक्स में प्रोसेसर था, वही प्रोसेसर आईफोन 12 मिनी में प्रोसेसर है, उसका कैमरा उतना ही अच्छा है, उसका नाइट मोड बहुत अच्छा, मतलब एवरीथिंग में बहुत अच्छा था। बस उसका साइज़ छोटा कर दिया था एप्पल ने, बाकी वो फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त था। पर क्या हुआ, वो फेल हो गया इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, और भी बाहर ज़्यादा लोगों ने उसको उतना पसंद नहीं किया जितना एप्पल ने सोचा था। उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी करी थी, उतना वो आईफोन 12 मिनी बिका नहीं। तो एप्पल ने क्या हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। तो एप्पल अब क्या कर रहा है, जो आईफोन 13 आएगा, आईफोन 13 में आपको जो उसकी नॉच होती है वो बहुत छोटी देखने मिलेगी। इनफैक्ट जो अभी जो उस टाइम पे वीवो का V9 आया था, V9 और V9 Pro आया था, तो जिस टाइप की उसमें जो नॉच थी उतनी ही छोटी या उससे हल्की सी बड़ी नॉच आपको आईफोन 13 में देखने मिल सकती है। इनफैक्ट ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आईफोन 13 में आपको टच आईडी का भी सपोर्ट मिल सकता है, मतलब जैसा कि अभी नॉर्मल फ़ोन में वीवो सैमसंग के फ़ोन में जो आपको टच आईडी इन डिस्प्ले में को फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वो भी आपको आईफोन 13 में देखने मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे इसके लीक्स अभी निकल के आए थे, मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाया था। और एक और अच्छी बात है, जो आईफोन 14 आएगा, जो आईफोन 14 जो आएगा 2022-23 के में आएगा, उसमें आपको क्या हो सकता है, उसमें आप को जो मिनी वाला फ़ोन जो आ रहा है आईफोन 13 जो आएगा उसमें, तो आपको मिनी फ़ोन मिलेगा, आईफोन 13 मिनी आपको मिलेगा। पर उसमें क्या होगा, आईफोन 14 में एप्पल उसको डिसकंटिन्यू कर देगा, उसमें आपको मिनी वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको आईफोन 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स और या फिर 14 प्रो अल्ट्रा प्रो भी मिल सकता है, या फिर और भी एक वेरियंट इसमें एप्पल लॉन्च कर सकता है। और जो आईफोन 15 आएगा, आईफोन 15 2024 या 25 में जो भी फ़ोन लेके आएगा एप्पल, वहाँ पे आपको इस टाइप का रोलेवर आपको एप्पल का आईफोन मिल सकता है। मतलब जैसे अभी सैमसंग का लॉन्च हुआ था Z Fold 2, जिसमें आप ऐसे करके उसको ओपन कर सकते थे, एक मिनट में वो फ़ोन बन जाता था, एक मिनट में वो टैब मिनी टैब बन जाता था, वैसा भी आपको फ़ोन देखने मिल सकता है। और अब 2025 में आपको ऐसा वाला रोलेवर, ऐसे अप डाउन करने वाला जो सैमसंग का फ़ोन था, वैसा ही आईफोन भी आपको देखने मिल सकता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा खासियत ये रहेगी, आपको उसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा और टच आईडी और फेस आईडी दोनों का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी कुछ फ्यूचर के आईफोन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।